अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मूंग दाल के दही बल्ले की रेसिपी। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और इस तरीके से आपके दही बल्ले बहुत ही स्पॉन्जी बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप मूंग दाल ली है और आधा कप उड़द दाल ली है। आप कोई भी दाल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उड़द दाल के भी दही बल्ले बनाए जाते हैं और दाल की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो तकरीबन यहाँ पर हमारे 2 कप दाल में बहुत सारे दही बल्ले बन कर के तैयार होंगे, तो इसलिए आप अपने हिसाब से ही दाल को भिगोएं। यहाँ मैंने छिलके वाली दाल ली है, आप चाहें तो बिना छिलके वाली भी दाल ले सकते हैं। मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैंने यही भिगो दी है। तो अच्छे से वॉश करके मैं दाल को ओवरनाइट के लिए भिगोने रख दूँगी। फिर सुबह होने के बाद आप देख सकते हैं दाल यहाँ पर अच्छे से फूल चुकी है और इसका जो छिलका है एकदम अलग हो चुका है। तो मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी इस दाल को छिलका निकालते हुए। दाल यहाँ पर एकदम साफ़ हो चुकी है और मैं इसे मिक्सी जार में ऐड करके इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। तो जितनी एक बार में हमारी मिक्सी जार में दाल आएगी उतनी दाल हमें ले लेनी है और बाकी दाल हम बाद में पीसेंगे। तो एक बार की दाल में हमें यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 हरी मिर्च ऐड कर देनी है और एकदम स्मूथ फाइन पेस्ट बना लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना स्मूथ और फाइन पेस्ट हमारा बन करके रेडी हो चुका है। तो तकरीबन इसे 5-10 मिनट के लिए हमें फेंटना है, जब तक कि इसमें अच्छे से एयर ना हो भर जाए और अच्छे से इसका कलर चेंज ना हो जाए। दाल को फेंटते हुए यहाँ पर 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और दाल हमारी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है, यानी इसमें हवा भर चुकी है और कलर भी इसका एकदम चेंज हो चुका है। तो दही बल्ले में जो मेन प्रोसेस जो होता है वो दाल को फेंटने का और दाल की थिकनेस का होता है, यानी आपको दाल बहुत ही अच्छे से पीसनी है और दाल को अच्छे से फेंटना है। अब हम फेंटने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/2 चम्मच ही यहाँ पर ऐड करेंगे नमक, और इन दोनों चीज़ों को डाल के फिर दोबारा से 1-2 मिनट के लिए हमें मिक्स कर लेना है और फेंट लेना है, और एक ही डायरेक्शन में हमें दाल को फेंटना है। दाल को फेंटने के बाद अब हम दाल को चेक करेंगे कि दाल हमारी अच्छे से फिट चुकी है या नहीं। तो थोड़ा सा पानी लेके हमें उसमें दाल को डाल के देखना है। अगर आपकी दाल एकदम बलून की तरह फूल रही है, मतलब यानी घुल नहीं रही पानी में, तो दाल परफेक्ट है। अगर पानी में दाल घुले तो और दाल को फेंटना पड़ेगा। इसलिए मेरी दाल एकदम परफेक्ट फूल चुकी है, यानी फिट चुकी है। तो बस ऑयल को भी मैंने गरम होने रख दिया था। ऑयल को यहाँ पर ज़्यादा गरम नहीं करना है, एकदम मीडियम रखना है, यानी बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में हमें बल्लों को नहीं ऐड करना है। इसलिए आप मीडियम गैस का फ्लेम रखें और मीडियम गैस के फ्लेम पे ही हम इनको सेकेंगे। तो अलटते पलटते मैं इनको दोनों तरफ से हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। बल्लों पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, बस इतना ही हमें इनको फ्राई करना है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब यहाँ दूसरी तरफ मैंने एक बर्तन में पानी लिया है, तो नॉर्मल पानी है ये, इसमें मैंने 1/2 चम्मच हींग ऐड कर ली है, तो इसी में मैं भल्लों को ऐड करूँगी। तो अभी भल्लों को हमें ऐड नहीं करना है, तकरीबन 5 मिनट के लिए हमें इनको ठंडा होने देना है। फिर उसके बाद हम भल्लों को इसमें ऐड करेंगे इस पानी में, और फूल जाने तक हम इनको भिगोए रखेंगे। तो भल्लों का फूलते हुए कलर एकदम चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितने स्पॉन्जी और कितने सॉफ्ट भल्ले बन करके हमारे तैयार हुए हैं, और अंदर से भी एकदम जालीदार भल्ले बने हैं। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपके दही बल्ले बन करके तैयार होंगे। यहाँ दही को भी मैंने पहले से ही फेंट के रखा है और मैंने इसमें भल्लों को ऐड कर दिया है, पानी में से निकाल के मैंने डायरेक्ट दही में डाल दिया है इनको। तो अभी मैं इतने ही बल्ले रेडी करूँगी, फिर बाकी के हम पानी में से निकाल के साइड में रख देंगे, क्योंकि पानी में हमें ज़्यादा देर तक इनको नहीं रखना है, वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जब ये सॉफ़्ट हो जाएंगे तो पानी निचोड़ते हुए हमें इनको निकाल के दही में ऐड कर देना है। तो फिटी हुई दही में यहाँ पर ऐड करके रख देंगे दही बल्लों को 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप दही बल्लों को रेडी करेंगे, इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर चटनी बिना तो दही बल्ले अधूरे हैं। तो ये मीठी चटनी, इमली की मीठी चटनी मैंने पहले से ही तैयार कर रखी है,
तो चटनी पहले से तैयार करने से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो हरी चटनी और मीठी चटनी मैंने दोनों ही पहले से रेडी करके रखी हुई हैं। तो पहले मैं ऐड करूँगी मीठी चटनी, फिर उसके बाद ऐड करूँगी यहाँ पर तीखी हरी चटनी। और एक दिन पहले मैंने इस हरी चटनी को बनाया था और अभी तक ही ये बहुत ही हरा सा कलर है इसका, वरना चटनियों को रख के बहुत ही कलर चेंज होता हो जाता है, और इसका बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है हरी चटनी का। तो अगर आपको मीठी या हरी चटनी की रेसिपी चाहिए तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और ये मसाला भी मैंने घर पर रेडी किया है इसके ऊपर का, जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है दही बल्लों में। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, आप मार्केट जैसे दही बल्ले घर पर ही बना करके रेडी कर सकते हैं। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जा करके ज़रूर बताएं। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।